आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ 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 और आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस यस, तो गाइस केरला से आता है जिसमें आपका सनफ्लावर सीड्स के साथ इसमें अखरोट भी रहता है, सनफ्लावर सीड भी रहता है, काजू भी रहता है, किशमिश भी रहता है, सारा कुछ इसमें आपका मिक्सचर रहता है जो कि इसका हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। अगर आपका कोई बेबी है जैसे ये अभी हैंड हैंड फीडिंग में है, तो आप हैंड फीडिंग में आप इसको A19 यूज कर सकते हैं। A19 काफी अच्छा है जो कि आपको ऑर्डर करवा के आपको A19 भी, आप इसको अगर कोई भी बर्ड्स को अगर हैंड फीडिंग में यूज करवाना है तो आप A19 या फिर हैंड फीडिंग फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अभी जो नया नया फल आता है वो भी आप दे सकते हैं, मैंगो भी आप दे सकते हैं, तो जिससे इसका हेल्थ काफी अच्छा हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, जानवर का जीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आपका ये भी क्वेश्चन था कि ग्रेटर सर्फर कॉकाटू के ऊपर भी आप एक वीडियो लाइए, तो आप देख सकते हैं ये ग्रेटर सर्फर कॉकाटू। सबसे पहली बात मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बोलूंगा, कुछ भी अगर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया @ जानवर का जीवन, और उसके साथ आपको मेरा मैनेजिंग नंबर भी दे दिया गया है, और आप मुझे मैनेजिंग नंबर में पर्सनली आप मुझे मैसेज करें। तो ये काफी अच्छा हैंड टाइम है। प्राइस रिलेटेड बोलूंगा, क्या फूड देना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहली बात, ये ग्रेटर सर्फर कॉकाटू तो काफी क्यूट मुझे लगता है, और मैं इसको मतलब मेरे को अब आज तक का वर्ल्ड्स में अगर बोला जाए सबसे फनीस्ट बर्ड्स आपका ग्रेटर सर्फर कॉकाटू होता है, जो फुल्ली आपका हैंड टेम होता है। और रुक जाना एक सेकेंड, आप ये देख रहे हैं ग्रेटर सर्फर कॉकाटू जो कि वर्ल्ड में मैं बोलूँ तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, जो कि काफी फनीएस्ट बर्ड्स के नाम पे भी जाना जाता है। आप जिस टाइप से इसको ट्रेन करेंगे, जिस टाइप से आप रखेंगे, और ये सब पहले से ही हैंडटेम होता है। अगर मैं बोलूँ तो आप देख सकते हैं किसको मैं किस तरह से ये कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल बिल्कुल आपका हैंडटेम है, जो कि आपका ये बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया का काफी ज्यादा ये होता है। इसका जो बॉर्निंग होता है ये बॉर्न भी होता है कम से कम 40 to 60 ईयर्स में, और काफी अच्छा से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ थोड़ा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ 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 आ जाओ और जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस यस, तो गाइस ये काफी अच्छा है, ग्रेटर सर्फर कॉकाटू है। अब मैं बोलना चाहता हूँ इसको सॉफ्ट फूड में क्या यूज करता हूँ, जो कि सॉफ्ट फूड में कॉकाटू या मैका हो उसको फूड के लिए, जो कि आप देख सकते हैं ये केरला से आता है जिसमें आपका सनफ्लावर सीड्स के साथ इसमें अखरोट भी रहता है, सनफ्लावर सीड भी रहता है, काजू भी रहता है, किशमिश भी रहता है, सारा कुछ इसमें आपका मिक्सचर रहता है जो कि इसका हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। अगर आपका कोई बेबी है जैसे ये अभी हैंड हैंड फीडिंग में है, तो आप हैंड फीडिंग में आप इसको A19 यूज कर सकते हैं। A19 काफी अच्छा है जो कि आपको ऑर्डर करवा के आपको A19 भी, आप इसको अगर कोई भी बर्ड्स को अगर हैंड फीडिंग में यूज करवाना है तो आप A19 या फिर हैंड फीडिंग फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये ग्रेटर सर्फर कॉकाटू जो कि सबसे बोलू जाओ तो ये लाइफ लॉन्ग टाइम भी अच्छा है, इसका 40 to 60 ईयर्स इसका लाइफ लाइन टाइम भी है। और अगर आपको ये बर्ड्स चाहिए तो आप पहले खरीदने से पहले कुछ बातों को याद रखें। सबसे पहली बात तो इसको भी कम से कम 3 से 4 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम स्पेंड करके आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सब काफी सेंसिटिव बर्ड्स होता है, और ये सब हैंड टाइम में पहले से ही आ जाता है, और आप इसके साथ जितना टाइम करेंगे जैसे देंगे वैसे ये आपके साथ रहेगा। और गाइस फूडिंग में आप ड्राई फ्रूट तो दे रहे हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट के साथ आपको सॉफ्ट फूड का भी आपको ड्राई फ्रूट के साथ सॉफ्ट फूड का भी यूज करना पड़ेगा, जैसे कुछ वेजिटेबल्स हुआ, कुछ आपको फल हुआ, एप्पल भी दे सकते हैं। अभी जो नया नया फल आता है वो भी आप दे सकते हैं, मैंगो भी आप दे सकते हो, तो जिससे इसका हेल्थ काफी अच्छा हो। तो हेल्थ के लिए गाइस आपको अपना बर्ड्स का फूड अच्छा रखना है, और ये सब काफी कॉस्टली भी होता है। ये सब बर्ड्स का जो कॉस्ट है मैं सारा मेरा टेलीग्राम चैनल में अपडेट है, आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, मेरा मैनेजिंग नंबर भी दिया हुआ 8170023997, जिसमें आपको सिर्फ व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो आपको कॉलोनी फार्म विजिट करें, नहीं तो आप कहीं और से लेना चाहते तो कोई बड़े ब्रीडर से लीजिए या फिर कोई शॉप मार्केट जो फिर ये सब रखते हैं। तो गाइस अब मैं आता हूँ कि इसका अमाउंट क्या जाता है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और इसका अमाउंट हाई क्यों होता है।
सन कॉर्नर हो या फिर पाइनएप्पल कॉर्नर या फिर कॉकटेल या फिर कॉकटेल बोलिए या फिर बजीज बोलिए या फिर लवबर्ड में चाहे ऑफलाइन हो चाहे कोई भी बर्ड्स हो, ये सब का ब्रीडिंग काफी ज्यादा होता है। बट कॉकाटू का ब्रीडिंग बोला जाता है कि 3 साल में भी एक बार होता है, या फिर आपको ब्रीड्स करवाने के लिए आपको काफी बड़ा स्पेस चाहिए। बड़ा स्पेस अगर आप देंगे तभी कॉकाटू या मैकाओ जैसा बर्ड्स को आप इजिली ब्रीड्स करेंगे। और दूसरा बात होता है उसको आपको प्राइवेसी चाहिए, अगर आप उसको दे पाएंगे तभी ये ब्रीड्स होगा। जैसे हम लोग अभी इसके साथ इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इंसान आ रहा है जा रहा, तो इस टाइम में आप इसका ब्रीड्स नहीं करवा सकते। और ये सब काफी दिखने में भी काफी सुंदर होता है और हैंड टेम होता है, और ये आपका मतलब इसलिए इसका अमाउंट समथिंग बोलूँ तो 150 समथिंग आपका इसका अमाउंट जाता है। बट इससे भी एक अच्छा आता है मोलखन कॉकाटू, जिसका इससे भी ज़्यादा अमाउंट जाता है। तो ये ग्रेटर सर्फर भी काफ़ी अच्छा होता है। तो गाइस ये मैं आपको ग्रेटर सर्फर का ये मैं वीडियो आपको दिखाया। अगर आपको इसका रिलेटेड अगर आपको चाहिए, अगर किसी भी बात का कोई अगर चाहिए तो आप इजीली आकर मेरे पास से या फिर यहाँ पे आसिर भाई के पास से आप लेकर ये लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आकर विजिट करके लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस ये मैं आपको बोल दिया, कोई भी डिलीवरी के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो वो नहीं, आप आइए विजिट करिए, अपने आंखों से देखिए, पसंद आया अमाउंट पेड करके आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपको इनके पास लेके आ जाऊंगा। तो गाइस आपको ये कैसा लगा ग्रेटर सर्फर, और इसके बारे में जो मैं आपको कुछ नॉलेज दिया हूँ जो कि इसका अमाउंट क्यों ज्यादा होता। और एक बात गाइस, ये और एक क्वेश्चन था कि ये कितने सालों तक, कम से कम 40-60 इयर्स तक ये आपका रह पाता है। और दूसरा बात है कि लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी बर्ड्स अगर आपको चाहिए तो उसको आपको केयरिंग तो करना पड़ेगा, और उसको कम से कम आप केज पे सेटअप पे नहीं रख के कम से कम आपको एक खुले एरिया में आपको रखना पड़ेगा। और ये एक मैकाओ के टाइप से कोई प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव बर्ड्स होता है और काफी अच्छा होता है, जो कि मेरे पास से काफी इंजॉय कर रहा है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं अभिषेक आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा। तो गाइज धन्यवाद दोस्तों।